हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त मयूर किशन। फौरी तौर पर जी बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है कुछ दिन पहले मैं मदगांव एक्सप्रेस मूवी का ट्रेलर के ऊपर रिएक्शन लेके आ गया था और आज जो है मूवी जो है वो सिनेमा घरों में रिलीज़ हो चुकी है और फर्स्ट शो है इसका, फर्स्ट डे का शो है और जो है वो देखते हैं इंडिया के सिनेमा घरों में इसने क्या क्या जो है वो अपनी धूम मचाई है, क्या क्या अपने कारनामे दिए हैं। और फर्स्ट डे का शो है जी फिल्मी फीवर 7 की 7-8 के इसके जो है वो फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर हैं। और फिल्मी फीवर की ये जो है ओरिजिनल वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप जाके इसकी ओरिजिनल वीडियो को भी देख सकते हैं फौरी तौर पर। तो मदगांव एक्सप्रेस का जो है कि फर्स्ट शो का पब्लिक रिव्यू आ चुके हैं, आज मैं उसके ऊपर रिएक्शन लेके आ चुका हूँ। तो सबसे पहले करते हैं जी रिव्यू स्टार्ट और देखते हैं इसके अंदर जो ऑडियंस है उसने क्या क्या जो है वो अपने रिव्यूज पेश किए हैं। ये रिव्यूज का वीडियो हो चुकी है जी स्टार्ट। फिल्म तो मैं बहुत बढ़िया फिल्म देख के आया हूँ। अच्छा, सरदार जी कह रहे हैं इस फिल्म में केमू की बहुत बढ़िया डायरेक्शन है, उसने बता दिया कि मैं कलाकार हूँ और बहुत बढ़िया डायरेक्टर हूँ। पहली बार वो डायरेक्शन कर रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छी डायरेक्शन दी है उसने, बहुत फिल्म को बड़े अच्छे तरीके से जोड़ा है, हर कलाकारों से बहुत बढ़िया काम लिया है, सब कलाकारों ने जी जान से काम किया है। जिस मिजाज के हैं उस मिजाज की फिल्म है कि नहीं? काफी चुलबुल, काफी कॉमेडियन माने जाते हैं। बहुत मज़ा आ गया, पूरी फिल्म में मज़ा आ गया। कॉमेडी है और यंग क्राउड बहुत पसंद करेगा, फैमिली वाला क्राउड भी पसंद करेगा और बैठे बैठे गोवा भी घूमने को मिलेगा, मज़ा आ जाएगा। और लाफ्टर थेरेपी मिली कि नहीं? 100% लाफ्टर थेरेपी है, बिल्कुल। मैं बहुत खुश हुआ फिल्म को देख, और मैं इस फिल्म को 4 स्टार दूंगा और लोगों से अपील करूंगा ऐसी अच्छी अच्छी फिल्में देखो। एक कॉमेडी जॉनरा में आप इतने स्टार दे रहे हैं, फिल्म पसंद आई है? 100% मैं बिल्कुल 4 स्टार, क्योंकि मैं बड़ा खुश हूँ, अच्छा लगा, 4 स्टार देने चाहिए। बहुत सारी चीजें होती है कॉमेडी फिल्मों में जिसके अंदर आप देखोगे कि फिजिक्स या फिर कई चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा जाता है, यहाँ पर चीज़ें नेचुरल तरीके से बताने की कोशिश की जा रही है या फिर कुछ एडिशनल चीज़ें दिखा रही हैं तब जाके आपको हंसी आ रही है? कॉमेडी ऐसी चीज़ है नेचुरल ही आती है, वो स्क्रिप्ट से आ ही नहीं सकती। अगर आपको अगर इनबॉर्न टैलेंट है तो आप परफॉर्म कर पाओ, वो चीज़ मेरे को सब कलाकारों में दिखी। यहाँ पे सारे कैरेक्टर आपको अच्छे लगे? ऑल कैरेक्टर्स, जो हीरोइन है जो उसका भी करेक्टर अच्छा लगा मेरे को। फुल लाफ राइट है, बहुत टाइम के बाद ऐसा लगा कि मूवी देखने गए हैं और फुल एंटरटेनमेंट। कोई एक्सपेक्टेशन था इस फिल्म को? एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो गया। मैं ऑनेस्टली बोलूं तो आई केम हियर विद नो एक्सपेक्टेशंस एंड एक्चुअली मैंने आई वॉज इन टू माइंड्स टू कम फॉर द प्रेमियर और नॉट, बट स्टिल आई वाज लाइक ओके फाइन लेट्स गो एंड इट वॉज एब्सोल्युटली वर्थ द टाइम एंड इट विल एब्सोल्युटली वर्थ द मनी एज वेल। लड़की को बड़ी समझ आ गया यार, इंग्लिश में बुका रही है मेरे ख्याल से, बड़ी उम्र की है। आजकल क्या है ना, कॉमेडी में है, सबसे पहले बताइए क्या बताने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद हम बात करेंगे कि आज के जमाने में जो कॉमेडी फिल्में बन रही है उसके मुकाबले कैसी है। देखिए इसमें क्या है ना, दे हैवन ट्राई टू इतना कॉम्प्लिकेट नहीं किया, बहुत सिंपल रखा है। बहुत सारे ऐसे सीन्स है जो बहुत रिलेटेबल है, जो हमारी जनरेशन को रिलेट करेंगे। तो या इट इज़ जस्ट अ फन फिल्म एंड इट्स रिलेटेबल, द कैरेक्टर्स आर अमेजिंग, जिस तरीके से यस तीनों कैरेक्टर्स के साथ कनेक्शन। हाँ I think all of us will connect to not only the story but also the characters and the situations and everything. और आज के टाइम में जो कॉमेडी जिस हिसाब से बन रही है, क्या कहेंगे इस फिल्म को लेकर, क्या वो कॉमेडी के अंदर ज्यादा? अच्छा, फिल्मी फीवर वालों ने ये एक इनिशिएटिव बड़ा अच्छा लिया है, हर बंदे के पूरे पूरे आई हैव नोटिस काफी टाइम है ना, कॉमेडी बहुत फोर्सफुल होती है मूवीज में कि भाई कॉमेडी मूवी बनानी है, अभी कुछ डालना पड़ेगा, कुछ ऐसे डायलॉग्स लिखने पड़ेंगे। ये स्क्रिप्ट के हिसाब से जो डायलॉग राइटिंग है, जो कंप्लीट स्क्रिप्ट लिखी गई है, वो फ्लॉलेसली सिंक होती है। कहीं नेचुरल, मुझे तो कहीं पे भी ऐसे फोर्सफुल नहीं लगा, कहीं पे कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं लगा जहाँ पे ऐसा लगता है कि हाँ फोर्सफुली डाल दिया है करके, बी इट योर डायलॉग्स और एनीथिंग, इवन द सिचुएशंस, इट्स लाइक फ्लॉलेस।
बड़ी समझदार बातें कर रही है यार ये लड़की। आई वुड एक्चुअली लव टू गिव 5 out of 5 बिकॉज़ दिस एक्चुअली मेड मी लाफ, इट वाज फन एंड एकदम नथिंग वाज फोर्सफुल एंड चीप कॉमेडी नहीं है। हाँ, जो अभी है ना कि भाई कुछ डाल दो या किसी को ऑफेंड कर दो ऐसे डाल दो, नथिंग लाइक दैट। आई जस्ट लव द फिल्म, आई वाज लाफिंग थ्रू आउट एंड आई थिंक मैं काफ़ी टाइम के बाद इतना हंसी हूँ और काफ़ी टाइम के बाद आई एम कमिंग आउट ऑफ अ थिएटर विद लाइक फुल हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन की पैसा भी वसूल है और टाइम भी पैसा भी वसूल है भाई। अंकिल आ गई जी, बहुत कॉमेडी अच्छा था, एक फुल फैमिली एंटरटेनमेंट। हाँ, फिल्म देखते वक्त थिएटर में बैठकर आपको लाफ्टर थेरेपी मिलेगी नहीं? हाँ, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। आप कुछ एक्सपेक्ट कर आई थी फिल्म को लेकर और क्या महसूस किया आपने? कमाल के रिव्यूज आ गए यार ये तो। बस अच्छा, हैप्पी। कॉमेडी जॉनरा में थोड़ी कम फिल्में बन रही है हमारे हिंदी सिनेमा में, तो ये आपको सरप्राइज की है कि नहीं कॉमेडी में? यार ये जो बैग पे जो बंदा जनरल की बात की जाए पूछ रहा है ना, वो बहुत मुझे अच्छा लगा। वेल नोन एक्टर्स हैं लेकिन थिएटर में उसका शो नहीं होगा, लेकिन उसकी बात बड़ी अच्छी है, क्वेश्चन पूछने का अंदाज बड़ा अच्छा है। कोई ऐसा फैक्टर जो आपको अभी भी समझ में आ रहा हो, याद आ रहा हो कॉमेडी को लेकर? नहीं, सबने अच्छा काम किया। वेल इट वाज वेरी गुड एंड द कॉमेडी वाज नॉट स्टूपिड कॉमेडी आई थिंक एवरी एक मिनट, बहुत बड़ी बात आपने बोली, स्टूपिड कॉमेडी नहीं है यानी अच्छी कॉमेडी है। कॉमेडी अच्छी है और डायलॉग्स बहुत अच्छे लिखे हैं और मतलब हंसी आ रही थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि बकवास हो रही है। यूजुअली कॉमिक फिल्म्स आजकल जो हमारी बनती है उससे इट्स नॉट चीप ह्यूमर। कुछ 90s के एरा में आप चली गई जब कॉमेडी को लेकर एकदम तबीयत अंदाज अपना अपना टाइप्स यू नो, जिसमें दोस्ती भी है और कॉमिक सेंस बहुत अच्छी है और मजा था। मतलब फिल्म में हर चीज में बहुत सारी ऑलमोस्ट स्टोरीज कुकिंग को लेके और गोवा को लेके और ऑल दैट बीच और या ऑल दैट गैंगस्टर्स वो सेम ही रहती है स्टोरीज, लेकिन टैकल बहुत अलग तरह से किया है। तीन दोस्तों की केमिस्ट्री भी अलग है और तीनों की पर्सनालिटीज भी बहुत अलग है, बट फिर भी वो दोस्त हैं। तो अपने आप में मुझे बहुत अच्छी लगी, अलग अलग शेड्स हैं इसमें कई सारे, डायरेक्शन भी अच्छा है। Thoroughly enjoyed. I enjoyed the film. Director is a debutant director. Yes. Yes. And he plays a very short role. I think he just triggered the story. I don't want to disclose much, but yes, the fun element was the USP of the film. Definitely. Like it. It is. कितने स्टार पांच में से? 3.5, 4 सबसे पहले तो 5 out of 5 इतनी अच्छी लगी मुझे। अरे 3 घंटा हंस हंस के पागल हो गए। मतलब कॉमेडी ना क्रिएट नहीं की है कि क्रिएट की हो, कॉमेडी रियल में है। मतलब एक एक आर्टिस्ट ने जो परफॉर्मेंस दिया है, छाया कदम से लेके रेमो डिसूजा, नोरा फतेही, सभी ने, हाँ सब इंस्पेक्टर का, मतलब हर एक ने अपना किरदार है ना छोटे से छोटा भी बहुत अच्छे से निभाया है। बहुत मजा आ गया पिक्चर देखने में और लिटरली हम लोग हंस हंस के पागल हो रहे थे सब लोग एक एक डायलॉग पे। हाँ, तो मुझे भी बहुत मजा आया, मतलब इसलिए मैंने बोला 5 out of 5। और अभी जो माहौल चल रहा है मार काट वाली फिल्मों का, उसमें ये फिल्म है ना सबको खुश कर देगी एकदम। मुझे बहुत अच्छी लगी, इतनी अच्छी कि लग रहा है कि कब इसका सीक्वल आए, सीक्वल का इंतजार है। कॉमेडी फिल्में बहुत रिलीज हो रही हैं लेकिन वो एक्सपेक्टेशन पर खड़ी नहीं होती, उनका उनकी स्क्रिप्ट लेवल की नहीं होती। ये स्क्रिप्ट बहुत लेवल की है, ये स्क्रिप्ट अच्छा है, मतलब कॉमेडी को डायरेक्शन और स्क्रिप्ट दोनों अच्छे हैं। डेब्यूटिंग डायरेक्टर जो कुणाल केमू का काम है, वो जितने अच्छे एक्टर हैं उतने अच्छे डायरेक्टर हैं और राइटर हैं, यही कहना चाहूँगा। मैं 4 दूंगा। बहुत अच्छी लगी, अमेजिंग कॉमेडी मूवी। कोई एक्सपेक्टेशन था फिल्म को लेकर? कॉमेडी फिल्म है चलो समझ में आता है, लेकिन आजकल कॉमेडी फिल्में जो हैं उस लेवल की नहीं होती हैं। इस फिल्म ने आपको सेटिस्फाई किया है? मज़ा आया, क्लाइमेक्स भी बहुत अच्छा था एंड थोड़ा बहुत एक्शन सीन्स भी था, मज़ा आ गया आपको? या मज़ा आ गया। जो फिल्म जो देखने लायक होता है, थिएटरिकल एक्सपीरियंस रहता है, वो भी है फिल्म के अंदर? हाँ। आपको अच्छा लगा?
लोगों को बहुत मजा आएगा ये फिल्म देखने को। मुझे प्रतीक गांधी का काम बहुत पसंद आया, उपेंद्र लिमे का काम भी अच्छा था, और छाया कदम का कॉमेडी कंचन या भी है और अविनाश तिवारी है, वो कैसे लग रहे हैं? वो लोग का भी काम मस्त था। कुणाल केमू का डायरेक्शन कैसा लगा? बहुत अच्छा बनाया, स्टोरी भी अच्छी थी फिल्म की। कोई ऐसी बात फिल्म की तो आपको अभी भी याद आ रही है? हाँ, कॉमेडी खाली या गोवा आने के बाद सब वो गड़बड़ हो जाता है, वो देखने लायक। नहीं जी, ये इसकी जो है वो आज की फर्स्ट शो की जो है वो पब्लिक रिव्यू की वीडियो हो चुकी है जी, कंप्लीट सारे 9 मिनट की ये वीडियो थी। और मैं कहता हूँ जी, इसके अंदर जो सबसे पहले तो मैं इस जो है वो जर्नलिस्ट की बात कर लेता हूँ, फिल्मी फीवर का जो ये जो शोबिस का जो रिपोर्टर था जर्नलिस्ट, सामने तो वो नहीं आया लेकिन मुझे उसका जो है वो स्टाइल बड़ा अच्छा लगा, क्वेश्चन बड़े अच्छे लगे, बड़े ऑथेंटिक क्वेश्चन थे उसके, और उसकी आवाज़ ही हमें सुनाई दी। आई होप कभी ना कभी ये हमें देखने को भी मिले। तो थोड़ा सा जो है वो इसके रिव्यूज़ के ऊपर मैं जो पब्लिक रिव्यूज़ हैं उसके ऊपर रोशनी डालूँ, तो रिव्यूज़ बड़े कमाल के हुए हैं। मतलब के जो लोग मूवी को समझ के हैं, जो सिनेमा घरों को समझ के हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री को समझ के हैं, उनों को जो है वो इन रिव्यूज के अंदर शामिल किया गया, और वो खुद मतलब के मूवी देख के आए थे उसी टाइम, और उसी टाइम उनके रिव्यूज लिए गए, बड़े ही समझदारी के साथ जो है वो उन्होंने क्वेश्चंस के आंसर दिए, और बड़े ही लेवल के जो थे रिव्यूज उन्होंने दिए। मैं जहाँ पर देख रहा था आंटियाँ ज़्यादातर तगार में थी, और एक जो लड़की आई थी जो मतलब के जिसको मैं कह रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये लड़की छोटे कद की है या इसकी एज ही छोटी है, वो मुझे बाद में पता चला उसके स्टाइल से, उसके बोलने से स्टाइल से, उसकी वर्डिंग से, तो मुझे पता चला कि उसका कद छोटा है लेकिन उम्र उसकी एज बड़ी है। तो उसने भी बड़े अच्छे जो है वो आंसर दिए, रिव्यूज बहुत अच्छे दे के गई है, और जो है वो रेटिंग में से ऐसे 5 में से 4 या 5 दिया उसने, तो लेकिन बड़ा अच्छा ये रिव्यू था। फिल्मी फीवर वालों का एक बड़ा अच्छा ये स्टाइल है रिव्यूज़ का, उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आया होगा। मुझे तो जो है वो 100% जो है वो पसंद आया है, और आप भी पसंद करते होंगे। तो ऐसी तरह के जो रिव्यूज़ हैं खाली मूवीज़ के ट्रेलर के ऊपर रिएक्शन ही लेके आता, आपको पता है आइंदा आने वाले टाइम में मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के जो है वो रिएक्शन लेके आता रहूँगा। मिलते हैं फिर फौरी तौर पर।